दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे में मौका मिलते ही ऋषभ पंत ने अपने बल्ले से मचाया ऐसा हाहाकार। एक नहीं दो नहीं लगातार छह गेंद पर छह तूफानी छक्के जड़कर ठोक दिया इतिहास का सबसे तेज शतक। दोस्तों रोहित से लेकर कोहली जैसे बड़े बड़े दिग्गजों को भी कोसों पीछे छोड़ा है, तो आखिर कैसे तीसरे वनडे में ऋषभ पंत की आंधी में उड़ गई श्रीलंका की क्रिकेट टीम। छक्कों के अंबार लगाते हुए कितने गेंद में शतक जड़कर ऋषभ ने लिखा है नया इतिहास। दिखाएंगे तूफानी छक्कों से सजी उनकी ताबड़तोड़ शतकीय पारी का सांस रोक देने वाला वो खतरनाक वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और विराट कोहली में से कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ऋषभ पंत कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं इसे दुनिया भली भांति जानती है, लेकिन बावजूद उसके उन्हें श्रीलंका के खिलाफ पहले दो वनडे मैचेस में जलवा दिखाने का मौका नहीं मिला था, जिससे वो काफी ज्यादा नाराज नजर आए थे। पर जैसे ही श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में तीसरे वनडे में महामुकाबले में ऋषभ पंत को बल्लेबाजी से जलवा दिखाने का मौका मिला, तब गुस्से की आग में तड़प रहे ऋषभ पंत ने श्रीलंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए न केवल शतक लगाकर उन्होंने श्रीलंका के गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाए, बल्कि एक बार फिर बता दिया कि वो कौन है और क्या कर सकते हैं। आपको बता दें उन्हें इस मैच में ओपनिंग करने का मौका मिला और शुरुआती पांच ओवरों के भीतर ही ऋषभ पंत ने अपना विकराल रूप दिखाते हुए श्रीलंका के ऑलमोस्ट सभी गेंदबाज असिता फर्नांडो से लेकर दुनित वेला लगे अकेला धनंजय सभी की धज्जियां उड़ा दी, तो वहीं जेफरी वेंडर से के तो वो पीछे ही पड़ गए थे। जब उनकी बल्लेबाजी आई तब उन्होंने पहली गेंद को सम्मान दिया। जिस तरीके से पंत ने पहला ओवर खेला था उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बल्लेबाज थोड़ा नर्वस है, लेकिन श्रीलंकाई टीम के लिए ये खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। आपको बता दें तीन गेंद बाद अपना खाता खोलने वाले ऋषभ पंत ने चौथी गेंद पर छक्का लगा दिया। जी हां, फर्नांडो की गेंद को ऋषभ पंत ने सीधा स्टेडियम पार पहुंचा दिया। उनके जबरदस्त शॉट को देखकर श्रीलंका के कप्तान चरित्र श्रीलंका को यह अंदाजा लग चुका था कि अब यह खिलाड़ी उनके गेंदबाजों को बख्शने वाला नहीं है, और फिर क्या था, उनका डर सही साबित हुआ। देखते ही देखते ऋषभ पंत ने अकेला धनंजय के एक ओवर में लगातार तीन गेंद पर दो तूफानी छक्के और एक खतरनाक चौका लगाकर उन्होंने वो किया जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था, और महज 24 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। 50 रन बनाने के लिए पंत ने चार तूफानी छक्के भी जड़ दिए थे, साथ ही अपनी पारी में उन्होंने तीन चौके भी लगाए, लेकिन ये तो केवल ट्रेलर था। ऋषभ पंत बेहद खौफनाक बल्लेबाजी कर रहे थे, अभी से लंकाई गेंदबाजों में डर का माहौल था। पवेलियन में बैठे रोहित शर्मा और गौतम गंभीर भी रोहित की बल्लेबाजी से बेहद खुश थे। दोस्तों पंत का कोहराम यही नहीं थमा, तीसरे वनडे में वो पूरी तरह से शतक लगाने के लिए बेताब नजर आ रहे थे, वो रुकने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। ऋषभ पंत हमेशा एक ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और वो आज भी वही कर रहे थे। आपको बता दें उन्होंने गेंदबाजी करने आए श्रीलंका की आखिरी उम्मीद स्पिन के जादूगर जेफरी वेंडर से, जिन पर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने सोचा था वो ऋषभ पंत को आउट करने के काबिल है, लेकिन ये केवल एक उनकी गलत फहमी थी जो पंत के तूफान में पल भर में हवा हो गई, और उनकी तीन गेंदों पर दो छक्के और एक चौके के साथ ऋषभ पंत 80 रनों के पार पहुंच गए। और यहां वेंडर से के मार खाने के बाद श्रीलंका ने एक नई चाल चली, उन्होंने गेंद थमाई अपने सबसे बड़े मैच विनर गेंदबाज दुनित वेला लगे को। उन्हें लग रहा था कि उनकी गेंदों को छक्का मारने के चक्कर में ऋषभ पंत अपना विकेट गवा बैठेंगे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आपको बता दें वेला लगे के घमंड को चूर चूर करते हुए उनकी तीन गेंद पर तीन छक्के लगा पंत ने न सिर्फ कप्तान चरित्र श्रीलंका को गलत साबित किया, बल्कि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। शतक बनाने के लिए ऋषभ पंत ने केवल 50 गेंदें ही खेली थी, और अपनी विस्फोटक पारी को उन्होंने सात चौकों और सात खौफनाक छक्कों से सजाया था। अब आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि ऋषभ पंत ने केवल 50 गेंदों में ही शतक ठोक गेंदबाजों की कितनी बेरहमी तरीके से पिटाई की। पंत का कोहराम यही नहीं रुका, उन्होंने साथी खिलाड़ियों के साथ मिलकर और भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की।